जो पार्टी के लोग हैं सिर्फ उन्हीं से वार्ता करके वो कह देते हैं किसानों से वार्ता की है, उनको सरकार यहाँ आइए ना, आइए किसानों के बीच में, समझाइए उनको इस अध्यादेश के नफे और नुकसान सामना करिए ना, ने किसानों को परेशान ना किया जाए, वरना तख्ता पलट करने में भी किसान पीछे नहीं हटेगा। हर स्टेट में इतने मोदी सरकार ने मजदूर और सरारों के विरोधी किया है कि किसानों के विरुद्ध है, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं मान रही थी किसानों के हक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। यहाँ पर किसानों के प्रदर्शन के लिए कतार किसान यहाँ पर आ रहे हैं भारी तादाद में, और तीन कृषि कानून जो मोदी सरकार ने लॉकडाउन के समय पास किया था, उन्हीं सभी चीज़ों के खिलाफ, उन्हीं कृषि कानूनों के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। किसानों की मांग है कि उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, मोदी सरकार वापस ले, नहीं तो हम लगातार ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम अपनी मांगों पर अड़े हैं और धरना इन्हीं सभी चीजों को लेकर चलिए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। कुछ चुनिंदा जो पार्टी के लोग हैं सिर्फ उन्हीं से वार्ता करके वो कह देते हैं किसानों से वार्ता की है, उन किसानों से वार्ता करिए ना जो हकीकत में किसान है, जो टीवी पे नहीं बोलते हैं उनसे वार्ता करिए, जो धरातल पे काम कर रहे हैं उनसे वार्ता करिए। वो किन को बात करते हैं? वो किसानों, सरकार को इस बात का डर है, अगर किसानों से बात की जाएगी तो किसान अपनी बात को रखेंगे और फिर वो बात पब्लिकली आएगी, मीडिया के सामने भी आएगी। अभी मीडिया भी, जैसे कि आपने अभी कहा कि सरकार किसानों से बात करना चाहती है, फिर बात वही आएगी कि किसानों से बात करके ही हमने, किन किसानों से बात करते हो? आइए यहाँ, अगर उनको बात करनी है, वो कह रहे हैं कि सरकार कह रही है, तो सरकार यहाँ आइए ना, आइए किसानों के बीच में, समझाइए उनको इस अध्यादेश के नफे और नुकसान सामना करिए ना। जो सरकार इतने बहुमत से आई थी सत्ता में, वो अगर राज करना जानती है तो किसानों को साथ लेकर के चले, क्योंकि अन्नदाता किसान है, किसानों को परेशान ना किया जाए, वरना तख्ता पलट करने में भी किसान पीछे नहीं हटेगा। ये तीन काले कानून किसान ले कर आए, सरकार ले कर आई है, इनको वापस ले, वरना हम कहीं कुछ भी रोड जाम करें। किसानों के हित में नहीं है, किसान पागल नहीं है, किसानों के हित में होता तो ये लाखों किसान यहाँ पड़ा हुआ नहीं, ये बेवकूफ नहीं होता तो अपनी फसल चाहे जहाँ बेचे। उन्होंने एक उसमें किया है कि भाई किसानों की फसल जो है वो मंडी में भी, और वो भी रेट तय करे, भाई किसानों की अपनी मर्जी, उसकी फसल है वो मंडी में बेचे, बाहर बेचे, उसे सरकार को क्या ले? सरकार को अपने उससे मतलब होता है जो वो लगाती है टैक्स, उन तक रहे वो, किसानों की फसल में क्यों, किसानों की खेती में क्यों इंटरफेयर कर रही है? मोदी सरकार ने जो भी काम किए मजदूर और किसानों के, किसी भी स्टेट में देख लो, हर स्टेट में इतने मोदी सरकार ने मजदूर और सरारों के विरोधी किया है। अभी ये जो बिल है किया है इन्होंने, ये किसानों के पहले बताया जा रहा था विरुद्ध है, मोदी को 6 महीने से पहले जब बताया जा रहा, हमारा भगवंत मान जी MP साहब भी बोल रहे थे कि किसानों के विरुद्ध है, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं मान रही थी किसानों के हक में, एक किसानों को झूठा लालच दिया गया था। हम तो यो चैनल के माध्यम में प्रेस को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप भी किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दो, क्योंकि आप भी किसान परिवारों से और मजदूर परिवारों से हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी साथ देना चाहिए। हर एक महकमे को, हर एक पुलिस अफसर को, पुलिस के जितने भी सिपाही महकमा, हर एक किसी को भी किसानों का साथ देना चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।